अगर हम एक्स कंपोनेंट हमारे पास है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, इस एक्स कंपोनेंट में हम जो है एक्स कंपोनेंट, आप ये मोमेंटम, अगर मोमेंटम की एक्स कंपोनेंट हमारे पास है, इसका मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ सेंटेंस ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इफ इफ द एक्स कंपोनेंट आप मोमेंटम, एक मोमेंटम की अगर एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, आप अ पार्टिकल, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लिखता हूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं कि इज मेजर्ड विद एन अनसर्टेनिटी, विद एन अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेन है उसमें मेजर करते हैं डेल्टा पी में, मतलब स्मॉल इसमें एक्स है क्योंकि एक्स की बात हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, देन द अनसर्टेनिटी, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है अनसर्टेनिटी एन एक्स इज गिवन बिलो। तो आप लोगों को मैं जो इसका अनसर्टिनिटी है वो बताता हूँ कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने कहा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊंगा, इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर, अगर इस एक्स कंपोनेंट में हम मोमेंटम को मेजर करते हैं, पार्टिकल के मोमेंटम को मेजर करते हैं, वे अनसर्टिनिटी है, इसकी जो अनसर्टिनिटी इस अनसर्टिनिटी से, तो फिर एक्स में क्या अनसर्टिनिटी आएगा, तो फिर एक्स में जो अनसर्टिनिटी आएगा वो हो गिवन बिलो है, ठीक है, ये है, ये हमारे पास जो रिलेशन है, फिर ये है डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर टू पाई, यहाँ पे एच कट हमारे पास जो है वो बराबर है एच ओवर टू पाई के, ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल डरना नहीं, और उसको हम प्लैंक्स रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका जो वैल्यू 1.05 पे, यहाँ पे किस तरह ये 1, क्योंकि ये एच जो है इसकी वैल्यू 2 पाई, पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, और एच की जो वैल्यू है वो 6.6 मल्टीप्लाई 10^-34 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये वाला, और फिर ये जो है ऐसा लिखते हैं, कोई ऐसा लिखेगा तो इसको ये क्लियर हो, एक्स्ट्रा टर्म है मल्टीप्लाई 10^-34, तो आपके पास ये वीडियो लाजिमी आएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है, सबसे पहले अब हम इस रिलेशन की बात करते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, ये कॉमन सेंस की बात थी और वैसे जनरल, तो ये हमारे पास पोजीशन में जो अनसर्टिनिटी है वो इस फॉर्म में आएगी, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर टू, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर एच कट की जगह मैंने आप लोग को बताया एच ओवर टू पाई है, अगर मैं वो वीडियो पुट करूंगा तो वह बराबर होगा एच ओवर फोर पाई के, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में, अगर हम इन दोनों में अनसर्टिनिटी एक्स कंपोनेंट में अगर हम पार्टिकल की अनसर्टिनिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, मोमेंटम में, तो हमारे पास जो एक्स है, जो मतलब अनसर्टिनिटी यानी एक्स जो है इसमें क्या आएगा, वो इसमें हमारे पास ये आएगा एस के, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अनसर्टिनिटी एन एक्स एंड अनसर्टिनिटी एन मोमेंटम को हम अगर मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, मतलब अगर दोनों सेम एक्सिस पे होंगे, सेम कंपोनेंट इसका लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप एक्स कंपोनेंट पे मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे वाई पे, तो गलत होगा, ठीक है, तो अगर आपके पास डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा तो फिर आपके पास डेल्टा पी जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, तो आप लोगों के पास फिर जो है डेल्टा पी पी वाई की हम बात करते हैं तो वह इन्फिनिटी होगा, तो ये तो गलत है, दोनों को उल्टा लेंगे तो फिर गलत ही आएगा, गलत ही आएगा, तो वहाँ पे जो अनसर्टिनिटी है वो नहीं फाइंड आउट होगा, तो ये क्या है, ये गलत है, फिर मतलब आप लोगों ने सेम लिखना है, कंपोनेंट को सेम लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बात है, आप लोगों ने यहाँ तक क्लियरली अंडरस्टैंड किया, अभी आगे थोड़ा सा इसमें है वो करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आप लोगों ने देखना है, अगर वाई कंपोनेंट में हम देखें तो y डेल्टा p y इज ग्रेटर इक्वल टू h कट ओवर 2 आर ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई, ठीक है, और डेल्टा z में हम फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों ने डेल्टा z डेल्टा p z ग्रेटर देन इक्वल टू h कट ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई, तो ये सेम है, अगर आप इसमें फाइंड आउट करेंगे और डेल्टा z डेल्टा p z में, तो आपने यहाँ पे ये अनसर्टिनिटी आप लोगों के पास लाजिमी आएगा, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आएगा, तो ये आप लोगों के पास जो एक्स वाई जी तीन कंपोनेंट है इसमें हमने ये फाइंड आउट किया। अब ये बात करते हैं कि भाई हम एनर्जी के बारे में, एनर्जी और टाइम के बारे में हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल है भाई, इसके इसमें भी अनसर्टिनिटी आएगा,
तो इसमें अनसर्टिनिटी हम फाइंड आउट डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच का 2 और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एच वर 4 पाई। तो इसमें भी जो अनसर्टिनिटी है वो भी इसके बराबर होगा, ये एनर्जी है और ये टाइम में, मतलब इन दोनों में हम जो अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करते हैं तो इसमें भी ये लाजिमी जो है आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे बड़े ध्यान से इसको करना है, और इसमें मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगा कि ये एनर्जी में, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक है, और ये जो है ये टाइम है आप लोगों ने बस। और इन दोनों में अगर हम अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करते तो वो भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें जो गलती आ रही है, गैर यकीनी आ रही है, मसला आ रहा है, वो इस वीडियो के बराबर होगा। आप लोग खुद इस वीडियो को करें तो आप लोगों के पास इजी होगा। ये नजर आता है 6.6 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाई 4 × 3.14। इनसे जो वीडियो आता है 10⁻³ अपने जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो वीडियो एन के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पर इस डिवीजन से जो वैल्यू यहाँ पे आता है तो वो इस दोनों के इन दोनों के अनसर्टिनिटी के बराबर होगा, उसकी जो गलती है वो इतनी होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम की। नाम मुश्किल है, नाम नहीं मुश्किल भाई। एंगुलर मोमेंटम में अगर गलती या अनसर्टिनिटी को हम फाइंड आउट करते तो वह किस फॉर्म में होगा, इसकी जो वैल्यू है वो भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम की सैंपल है। ये क्या है भाई, ये एंगुलर मोमेंटम की सैंपल है, ठीक है, आप लोगों ने डरना नहीं। और ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन और मोमेंटम सेम थिंग, इसमें अनसर्टिनिटी भी यही आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों आती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई वेव ग्रुप की पार्टिकल है और ये क्या है, ये कोई रोटेशनल मोशन में है, तो आप लोगों ने फिर भी डरना नहीं है भाई, फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों को मैंने जो आज बताया अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के बारे में और क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ उसका थोड़ा मुवाजिना किया, फिर इसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बातें की है, तो यही भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास कोई बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन यहाँ तक आप लोगों के लेवल के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का आप लोगों के पास, और इसको इंडिटरमिनेसी प्रिंसिपल, ये नाम याद रखना है, और इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, अगर आप लोगों से ये पूछा गया या ये पूछा गया या हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी, इन दोनों में आप लोग ये ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, और इसके बाद जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे मुश्किल तरीन नहीं है लेकिन मुश्किल है, वो जनरलाइज अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, और इसकी प्रूफ और इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पे जो नए आए हैं और नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो फिज़िक्स वाले स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग वाले हैं तो इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।